अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करते हैं कि आपको अपने चैनल एस आई व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज हम आए हुए हैं जी पायर, तो सोचा कि पायर का व्यू जो है वो भी आप सब से शेयर किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि आज हमारा बिल्कुल फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पर। तो अगर कोई गलती वगैरह हुई तो आपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताना है कि ताकि हम उस गलती को सही कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी हम बाहर आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं जी इटली का जो मशहूर शहर है फ्लोरेंस, और वो भी आपको दिखाते हैं कि वो इतनी मशहूर क्यों है। तो चले चलते हैं स्टेशन पर और देखते हैं कि हमारी ट्रेन कब तक आएगी। और स्टेशन पर हम पहुँच आए हैं और माशाल्लाह से हमारी जो ट्रेन है पीछे वो भी आपको नज़र आ रही होगी, तो वो भी आ गई है। चलते हैं फ्लोरेंस के शहर में और आपको भी दिखाते हैं फ्लोरेंस में। तो जी, तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो अभी 2-3 मिनट के बाद ट्रेन भी हमारी चलेगी इंशाल्लाह। तो ये बाहर का व्यू है कुछ, और मौसम भी जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तकरीबन धूप है लेकिन हवा चल रही है साथ साथ, तो मज़े का मौसम है। तो साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं आपसे उनकी भी मुलाकात कराती हूँ, तो देखें आप उनसे भी बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इरफान और आज आपको इंशाअल्लाह इटली के शहर फ्लोरेंस की सैर कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है वो भी देखेंगे, वो मकई है जैसे गाँव में लोग लगाते हैं मकई, और वो मकई है। यहाँ इटली में भी लोग मकई वगैरह का बीज बोते हैं, और ये है कुछ इस तरह का इटली का व्यू। तो जी व्यूअर्स, हम फ्लोरेंस के मेन जो स्टेशन है वहाँ पहुँच आए हैं, तो आपको आगे बताते हैं और दिखाते भी हैं कि यहाँ की ज़्यादा फेमस कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको सब कुछ बता और समझा सकें। तो ये जो है हम व्यूअर्स, हम आए हैं बेसमेंट में। तो फाइनली हम वहाँ उस जगह पहुँच आए हैं जो हम आपको दिखाना चाहते थे, और हमारी ख्वाहिश थी कोई आप भी देखें, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। और यहाँ पर आप रश भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। शाम का टाइम है और शाम के वक्त लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं, इस जगह का टूर करते हैं। तो आए आपको दिखाते हैं हम, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रश है। ये आगे हम आपको एक सोने का दरवाज़ा दिखाएंगे। और
आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने ये बनाया हुआ है चार हिस्सा, जिसको इटालिया में डोमो कहते हैं। तो इस जगह का जो नाम है वो फ्लोरेंस है, जिसे इटालियन में फिरेंजे कहते हैं। ऊपर जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ता है। तो ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं ना, ये इसी जगह इस 24 घंटे इनकी सर्विस होती है। किसी को कोई भी मसला हो जाए तो ये फौरी हेल्प कर दे। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। 24 घंटे इनकी सर्विस है यहाँ, कोई भी मसला किसी को हो जाए तो फौरी ये हेल्प करते हैं, सर्विस देते हैं उसे। मैं एक दफ़ा गया था इसके ऊपर, इसकी 317 जो है ना सीढ़ियाँ हैं, 317। मुझे तो डर लग रहा है कि ये ऊपर ना गिर जाए। ये देखो कितना ऊंचा है। और इसकी जो है ना, ये 300 साल पहले बना था, 300 साल पहले। लेडीज बैग, ये मॉडल है ब्राचिलीनी इसको बोलते हैं। आइसक्रीम वाली दुकान, जो शाम पड़ रही है मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है, ठंड पड़ रही है, दिन को बहुत गर्मी थी। अब आगे मेरी वाइफ आपको बताएंगी सूरत हाल। मैं क्या बताऊँ, शाम का वक्त है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें और देखें यहाँ का व्यू, के लोग कितने ज़्यादा हैं और कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो जो हमसे कोई गलती कुताही हुई, खामी हुई, तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसको दूर कर सकें। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हमारी फर्स्ट वीडियो है और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो बनाने का, तो आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर कोई गलती हुई तो हम उसको दुरुस्त कर सकें। थैंक यू। ये भी बताना है कि हमने ये जो पहली वीडियो बनाई है ये कैसी बनाई है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ टैटू, इनका जो मतलब है वो ये है कि जब इनकी जंग लगी थी जर्मनी के साथ, तो उस वक्त के जो जिस हाल में कत्ल हुआ उसका ऐसा ही टैटू इन्होंने बना दिया यहाँ। ये देखें, आपको नज़र आता हुआ आएगा साफ, जिस हाल में जो जैसे कत्ल हुआ था वैसे ही उन्होंने उसका टैटू बना दिया यहाँ। हमारी आज की वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जो आपको दिखानी है, बहुत ज़्यादा, यह इतना बड़ा शहर है,
ज़रा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इस तरह, तो फिर कभी इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर दिखाएंगे हम। और अगर कोई गलती हुई हमसे तो आपने कमेंट्स ब्लॉग में हमें ज़रूर बताना है ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। तो किसी अच्छे से ब्लॉग के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।